शुरुआत में जितनी भी दवाएं दी हुई हैं सब वो जब तक आप रिपेलेंट है जो लौटाते हैं नतीजा है कि वो लौटाएगा धीरे थोड़ा सा होगा। शुरू से ही सुरमा अगर इस्तेमाल किया जाए जैसा कि पहले होता था लोग अपने घरों में करते थे तो वो सिस्टम खत्म हो गया। अब हम लोग सुरमा और काजल को छोड़ दिया जिसका वजह से एलोपैथ में क्या आज मैं पूछूंगा एक एंटीबायोटिक का ड्रॉप एक एंटीसेप्टिक ड्रॉप डाल देते हैं और क्या उनके पास तो पानी को रोकने की कोशिश की जाए तो मार होगा लेकिन बहुत देर से होगा। उसके लिए मैं नुस्खा बताता हूँ कौन कौन चीज का प्रमुख बनाना है। जाफरान, जाफरान 125 मिलीग्राम जिसका फंक्शन तहलील मवाद, मवाद जो जाता है उसको तहलील करके रोकता है। अश्यून दाफ़े अलम है कोई तकलीफ अगर हो रही है दर्द हो रहा है उसको कम करेगा 1 ग्राम। शर्बे यमानी फिटकरी को कहते हैं, शर्बे यमानी फिटकरी को कहते हैं जो जला का काम करता है सफाई करने का। और कफे दरिया समुद्र झाग जिसको बोलते हैं ये बहुत ही काम की चीज है। रफे रिशाल जो झिल्ली बन रही कहीं उसको वो कट कर। नौशादा रस्ती है सुदा, सुदा को तोड़ता। नीला चौथा चोरा कलमी लहन जाए तो पिता करता है, अगर कहीं पर लहन हो बन रहा है तो उसको जो है काटता है। जंगा अकाल मेडिसिन खा जाऊ जो अगल बगल में सूलिया चीज डेवलप करता है उसको कट कर सकता है। और समय अरबी जिसको बबून का खून कहते हैं इन सब दवाओं को आप अगर सुरमा बनाकर बराबर इस्तेमाल करें तो कुछ पानी अगर आएगा भी तो उसको वो सोख लेगा। नतीजा है कि मोतियाबिंद बहुत देर से डेवलप होगा, इलाज तो नहीं हो सकता हो जाने के बाद तो सिवाय ऑपरेशन में हो जाएगा। तो ये चीज है ये लाइफ स्टाइल हमारा खत्म हो गया। हर घर में सुरमा रहता था हर जुमा तो लोग लगते सुना कुछ नहीं है दवा में कुछ है ही नहीं सिर्फ आप माइग्रेटिंग पुतली को फैलाने वाली दवा एड्रोपीन 0.5% में अगर देते हैं तो वह पुतली को फैलाता है जिससे रोशनी कुछ आसानी से जाती है उसको कुछ मालूम नहीं देगा वो कहता है जबकि बात ऐसी। अब चलिए आप जो है सो सर्जिकल ट्रीटमेंट कीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ है नहीं। सर्जरी में 4 तरीके से जान लीजिए कि ऑपरेशन होता है। नंबर 1 ECCE एक्स्ट्रा कैट्राइट एक्सट्रैक्शन, एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्राइट कंट्रैक्शन विद IOL।